हमारी मेन कैरेक्टर को कुछ इंसिडेंट की वजह से लोगों से कनेक्ट करने के लिए बहुत ट्रबल हो रहा था। वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेल एस्कॉर्ट को हायर करती है, जिसके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को बता सकती थी। प्रॉब्लम तब आई जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। अब क्या ये अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रह पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी अल्टर मी 2021 की एक रोमांटिक फिलीपींस मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर एमी और उनो ये हमें सोशल मीडिया के बारे में बता रहे थे। उनो कहता है कि सोशल मीडिया को लोग अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। वहाँ पर अपनी फोटो शेयर करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज़ करते हैं, पर इसके पीछे भी और एक सोशल मीडिया है। इसका नाम है अल्टर वर्ल्ड। अल्टर वर्ल्ड में जो चीज़ वो सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते, ये सब कुछ वो बोल सकते हैं। इस ऐप में टिंडर जैसी भी अरेंजमेंट की गई थी, जिसमें लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगर उन्हें किसी लड़के और लड़की को बुक करना हो तो ये भी वो कर सकते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्यार की तलाश में होते हैं। एमी कहती है कि अल्टर वर्ल्ड में प्यार पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, वैसे रियल वर्ल्ड में भी एक दूसरे से मिलना है बहुत ही हार्ड होता है, और इस तरीके से ऑनलाइन किसी से मिलना ये ज़रा उसे गलत लगता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों भी तो वैसे ही मिले थे, और अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। वोल्टर पर एस्कॉर्ट का काम करता था, वो एक लड़की से मिला और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और उसके बाद उसे आई लव यू कहता है। उस लड़की को ये बात बहुत ही अजीब लगी, उसे छोड़कर वो चली गई। उन्होंने इस बात से बहुत बुरा लगा। पैरेलल में हम एमी को देखते हैं, वो एक कंपनी के लिए एचआर के लिए काम करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसका एक एम्प्लॉय उसे छुट्टी मांग रहा था पर उसे दे नहीं रही थी। उसे कहता है कि मैं मेरे प्यार को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाना चाहता हूँ। उसे बहुत ही अनॉय कर रहा था तो फाइनली उसने उसे छुट्टी दे ही दी। एमी प्यार व्यार इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। एक रात उनो एक लड़की के साथ था, तभी उसका हस्बैंड उन्हें पकड़ लेता है। वो उनो को मारने वाला था तभी वहाँ से भाग जाता है। उनो एक लड़की के लिए सीरियस था, उसे आई लव यू कह देता है। वो लड़की उससे कहती है, मैं सिर्फ इंटीमेट होने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, वो उसे डेट नहीं करना चाहती। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। पैरेलल में हम देखते हैं कि एमी जब लंच के लिए आई तो उसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता था, हर कोई ऑफिस में उसे हेट करता है। वो भी अल्टर ऐप पर थी, पर वहाँ पर सिर्फ अपने इमोशंस को जताने के लिए थी। उसकी एक कोवर्कर देख लेती है, जिसका नाम था टीना। एमी ने कहा कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी बताना मत। टीना कहती कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं है, मैं भी अलग अलग लड़कों से मिलने के लिए इसे हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। एमी कहती कि मैं सिर्फ मेरे इमोशंस के बारे में लिखने के लिए यूज़ करती हूँ। टीना कहती कि तुम बहुत ही अजीब हो, हमेशा तुम बहुत ही सीरियस रहती हो और इसी वजह से तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करता। तुम्हें अपना सारा टेंशन रिलीज करना चाहिए, किसी लड़के को तुम बुक कर लो, उसके साथ रात बिताओ और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसने उसे एक लड़के का अकाउंट दिखाया, इन्होंने बहुत सारी आज बात की थी तो ये फ्रेंड्स बन जाती है। उनो आज बहुत ही अपसेट था तो उसकी फैमिली उसे सपोर्ट देती है। उसने कहा कि मुझे लगा था कि ये लड़की मेरी सोलमेट है। उसका ब्रदर उसे कहता है, हर एक लड़की तुम्हें सोलमेट ही लगती है और हमेशा तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनो कहता है कि सच में मैं हर एक लड़की से प्यार करने लग जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, हर लड़की मुझे छोड़कर क्यों चली जाती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि एक बार एक लड़की से तुम मिलोगे जो पूरी लाइफ के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगी, होप मत खोना। ये बात उनो की सिस्टर को अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि फिर से उनो का हार्ट ब्रेक ही हो जाएगा। अगली दिन एमी हर एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रही थी और सबको फायर कर देती है। उसे उसकी बॉस ने बोला, वो कहती कि तुम इस तरीके से हर एक को ट्रीट नहीं कर सकती, तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए मुझे तुम्हें ही फायर कर देना चाहिए, पर बॉस की वजह से मैं कर नहीं पा रही, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, मैं भी लोगों से बात करती हूँ पर इस तरीके से नहीं करती। रात में एमी ड्रंक होने के लिए टीना को भी अपने साथ लेकर आई। वो कहती कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, इसी वजह से लोगों पर मैं आज गुस्सा हो गई थी। टीना ने कहा कि अपने इमोशंस को तुम्हें रिलीज करना चाहिए। एमी ने कहा कि इसीलिए एक लड़की को मैंने आज बुक कर लिया है। टीना इस बात के लिए एक्साइटेड थी, उसे किस तरीके से ट्रीट करना है उसे वो सिखा देती है। रात में जब वो लड़का उसके पास आता है तो हम देख सकते हैं कि वो उनो ही है। जब वो उसके पास आया तो एमी ने उसे पहचान लिया और शॉक में वो नीचे गिर जाती है। एक्चुअल में एमी और उनो एक ही कॉलेज में थे। एमी को जब होश आया तो उनो उसका ख्याल रखता है, उसे हेडेक आ रहा था तो उनो उसे मसाज दे देता है। यहाँ पर इस तरीके से रुकना उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा था तो उसे कहती कि चलो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनो कहता है कि मैंने तुम्हारी आँखें कभी नोटिस नहीं की थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एमी पूछती है, क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। एमी पूछते कि तुम ये काम कैसे करने लग गए? उनो को तो बहुत कुछ करना था, वो अब्रॉड जाना चाहता था, एक एथलीट बनना चाहता था, पर जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ तो पैसे कमाने के लिए ये जॉब उसने ले लिया।
उसे जॉब करना उतना बुरा भी नहीं लगता। अपनी लाइफ में प्यार ढूंढने के लिए ये सब कर रहा है। उनो कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, एक्चुअल में तुम मेरा फर्स्ट प्यार हो। कॉलेज में हमेशा मैं तुम्हें दूर से देखा करता था, उस वक्त तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था और इसी वजह से मैं तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाया। चलो पहला प्यार तो नहीं, पर तुम मेरा आखिरी प्यार बन सकती हो। एमी को ये बात बहुत ही क्रिंजी लगती है। उन्होंने कहा कि तुमने इस तरीके से क्यों मुंह बनाया हुआ है, तुम स्माइल करते हो बहुत अच्छी लगती हो। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे आसपास सारी चीजें एकदम अच्छी होने लगती है। अगली सुबह एमी एक्चुअल में स्माइल करने का ट्राई करती है। वो दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए स्माइल कर रही थी। उन्होंने अपने ब्रदर को एमी के बारे में बता देता है। ब्रदर ने पूछा कि क्या तुम दोनों में कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। उसे लगता है कि एमी उसकी लाइफ का प्यार है। ब्रदर ने कहा कि तुम्हें अच्छी तरीके से उसे परस्यू करना चाहिए। उसे अब तक की हर एक लड़की रॉन्ग लग रही थी। एमी को पाने के लिए हर एक चीज करने के लिए रेडी था, उसके लिए बदल सकता है। आज एमी हर एक एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रही थी, तो बॉस को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। टीना ने बॉस को एमी की रात के बारे में बता दिया था, तो बॉस कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे इस तरीके से अच्छे मूड में रहना ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करती रहे तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। एमी टीना से कहती कि मुझे हमेशा से इसी मूड में रहना चाहिए, पर मैं कैसे कर सकती हूँ। उसे लाइफ में कॉन्स्टेंट चाहिए। वो कल उनो के साथ थी और इसी वजह से उसका मूड अच्छा हुआ है, तो अगली सेकंड डेट के लिए उसे बुला लेती है। एमी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, इस वर्ल्ड से मैं बहुत ही डिसकनेक्ट हो चुकी हूँ, लोग मुझे पसंद कर पाए इस तरीके से मुझे चेंजेस करने हैं, प्लीज इस बात के लिए मुझे हेल्प कर देना। अपनी लाइफ में उसे कॉन्स्टेंटली रखना चाहती थी। ये सब बात सुनकर उनो को बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मिलकर फिर एमी के लिए शॉपिंग की, उसे फिटनेस के लिए स्विमिंग के लिए लेकर जाता है, इससे उसे हमेशा रिलैक्स लगेगा और लोगों से कनेक्ट करने के लिए हेल्प होगी। ये सब सीखते हुए दोनों करीब आ गए थे और इंटीमेट होने लग जाते हैं। एमी का पूरा आउटलुक चेंज हो गया था। एक दिन उनो उसे एक जगह पर लेकर आता है जो एमी को बहुत पसंद आई। वो कहता है कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा यहीं पर आकर हैंग आउट करते हैं। एमी कहती कि शायद मेरी लाइफ भी इतनी सिंपल हो पाती। उनो कहता है कि तुम हमेशा काम क्यों करती रहती हो। एमी ने कहा कि इस तरीके से लाइफ जीने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। उसकी बचपन में मदर की डेथ हो गई थी, तो अपने फादर के साथ वो बड़ी हुई थी। वो हमेशा उन पर ट्रस्ट करती थी, पर अचानक से एक दिन उसके फादर कैनेडा चले गए। उन्होंने कहा था कि वो थोड़े ही टाइम के लिए वहां पर जाएंगे और वहां से कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, पर वो कैनेडा जाकर वापस आए ही नहीं। बाद में एमी को पता चला कि वहां पर उन्होंने किसी और से शादी कर ली है और एक नई फैमिली स्टार्ट की है। फादर ने बाद में कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखी। उसे इस बात से बहुत बुरा लगा था। 2 साल पहले उसे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है। वो कभी भी उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर पाई। ऐसे ही उसे छोड़कर चले गए थे, तो अपने खुद का ख्याल उसे खुद ही रखना पड़ा था। इस वर्ल्ड में जीना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो हमेशा हर एक चीज को लेकर ऑब्सेसिव थी। उसने टॉप किया, अच्छी जॉब ली, इसी वजह से इस तरीके से उसके बिहेवियर हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल अच्छा है, ये तुम्हें लोगों को दिखाना चाहिए। तुम प्यार पर फिर से बिलीव कर सकती हो। अपने अंदर के पेन को जब तुम इम्ब्रेस करोगी तभी सही तरीके से प्यार कर पाओगी। एमी ने टीना को उनो के बारे में बता दिया। उसे कहती कि उन्होंने मुझे चेंज करने में बहुत हेल्प की है। टीना ने कहा कि क्या तुम एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो। एमी कहती कि अब तक उनकी रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रही है वैसे वो चलने देंगे। उसे उनो की बहुत जरूरत थी। उनो बहुत ही खुश था। उसे लग रहा था कि एमी के साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। अपना अल्टर का अकाउंट वो डिलीट कर देता है। उसकी सिस्टर उसे कहती है तुम फिर से उड़ने लग गए हो, तुम फिर से हर्ट हो जाओगे। उनो कहता है कि प्यार में तो हम हर्ट होते ही है, पर वो गिव अप नहीं करने वाला। एक रात उनो और एमी एक होटल में मिले और वहां पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एमी ने ऑफिस पार्टी का अनाउंसमेंट किया। सब लोग इसके लिए बहुत ही खुश थे। एमी की प्रोग्रेस देखकर उसके बॉस उसे प्रमोट कर देते हैं। एक दिन उनो बहुत ही बीमार पड़ गया था। एमी ने उसे कॉल किया तो उनो की सिस्टर वो बीमार है ये बात उसे बता देती है। एमी ये पता चलने के बाद तुरंत उसके पास आ गए, उसका ख्याल रखती है। आजकल उनो बहुत ज्यादा काम कर रहा था और इसी वजह से वो बीमार पड़ गया था। एमी कहती कि तुम्हें जरा रेस्ट लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं बिहेव करता था इस वजह से मैंने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया है। अब मैं बहुत सारा काम कर उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। एमी कहती कि तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। इस वीकेंड के पार्टी के लिए उसे इनवाइट कर लेती है। उनो का ब्रदर इस पार्टी में आया हुआ था। टीना और वो मिले और टीना ऑलरेडी अल्टर में उसे फॉलो करती थी, तो दोनों पार्टी करने के लिए चले गए। ये पार्टी बॉस के घर पर थी, तो एमी कहती कि तुम्हारी फैमिली को जरा तकलीफ हो रही होगी। बॉस कहता है यहाँ पर मैं और मेरा ब्रदर सिर्फ हम दोनों ही हैं,
एक्चुअल में बॉस का ब्रदर ये एमी का एक्स बॉयफ्रेंड था। थोड़ी देर में उसके पास उनो आ गया। उन्होंने रिंग्स लिए, कुछ बातें की। उनो सीरियस हो गया, उसे कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमी इस बात को इग्नोर कर देती है और पुल के पास हो चली गई। उसमें वो नीचे गिर गई तो उनो उसे बचा लेता है। उसे फिर से आई लव यू कहने लग गया। तभी वहां पर एमी के बॉस का ब्रदर, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है अर्नेस्ट, ये पहुंच जाता है। उसने उसे पुल से बाहर निकाला, उसे टॉय लेकर उसका फुट मसाज वो करने लग जाता है। उन्होंने भी उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। अर्नेस्ट ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने भी उनके साथ आता है। अर्नेस्ट पहले उन्होंने को उसके घर छोड़ने वाला था क्योंकि वो पास था, और इसके बाद एमी के घर पर उसके साथ जाने वाला था। पर उन्होंने कहता है कि पहले हम एमी को घर छोड़ देते हैं, उसके बाद मेरे घर पर चलेंगे। अर्नेस्ट ने कहा कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने पहचान लिया कि वो भी उनके साथ कॉलेज में था। उसे पूछता है कि तुम आजकल कर क्या रहे हो। एमी ने कहा कि उनो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। अर्नेस्ट पेरिस में जाकर जॉब कर रहा था, पर उसे वहां पर अच्छा नहीं लगा तो वो वापस आ चुका है। अपने ब्रदर की कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट वो संभालने वाला है, यानी कि अब वो एमी का बॉस है। उनो से कहता है तुम्हें एक सिक्योर जॉब ले लेना चाहिए, तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। अगले दिन सचमुच में उनो वहां पर पहुंच गया। ये बात अर्नेस्ट को बहुत ऑकवर्ड लगती है। एमी उसका इंटरव्यू लेती है और कहती है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्या मैंने तुम्हें जो जॉब दिया था वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, जैसे अर्नेस्ट ने कहा था, पर एक्चुअल में वो सिर्फ एमी के साथ रहना चाहता है। उसे फिर से आई लव यू कह देता है। एमी इस बात पर कुछ भी नहीं कहती। काम करने के बाद उसने कुछ ब्रेक लिया। वो एमी और अर्नेस्ट को एक साथ कहीं बाहर जाता हुआ देख लेता है। उनका उसने पीछा किया। वो कैफे में थे और अर्नेस्ट ने एमी का अपने हाथों में हाथ लिया था। अर्नेस्ट कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं एक एमेच्योर की तरह बिहेव कर रहा था। मुझे लगा था कि मेरा करियर प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब मैंने रियलाइज किया है कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट प्यार ही है। एमी ने कहा कि उस बात को 10 साल हो चुके हैं, अब हम दोनों पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उस चैप्टर को वहीं पर खत्म कर देते हैं। अर्नेस्ट ने कहा कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ, प्लीज मुझे और एक चांस दे दो। एमी जब ऑफिस में आई तो उन्होंने उसे कन्फर्म करता है, पूछता है कि क्या तुम दोनों फिर से एक साथ हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एमी कहती है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही, पर मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मेरे फादर और अर्नेस्ट भी मुझे छोड़कर चला गया था। उन्होंने कहा कि मैं खुद तुमसे प्यार करना चाहता हूँ विदाउट एनी कंडीशन, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। इनकी आवाज़ सुनकर अर्नेस्ट वहां पर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए। एमी ने उन्हों से गुस्सा होकर कहा कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, हम दोनों अल्टर में मिले थे, इसके अलावा हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उन्हों गुस्से में वहां से चला गया। एमी रियलाइज करती कि ऐसा उसे बोलना नहीं चाहिए था, तो उन्हों के पीछे पीछे भागी, पर वो तब तक वहां से चला गया था, उसे वो ढूंढ नहीं पाती। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। उन्हों की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करती है। एमी ने उसका अकाउंट ढूंढने की कोशिश की पर उसे ढूंढ नहीं पाती। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसने एक लॉन्ग छुट्टी ले ली। थोड़े दिनों बाद वो वापस आने पर अर्नेस्ट से बात करती है। अर्नेस्ट ने कहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई। एमी ने कहा कि शायद मुझे उसे परस्यू करने के लिए बहुत लेट हो गया। अर्नेस्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ हर्ट होने से डर रही हो, तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। एमी ने कहा कि शायद ये जरा रिस्की होगा, इस बात से वो डर रही थी। अर्नेस्ट कहता है कि प्यार के सामने डर कभी भी आगे नहीं आता, फियर्स के सामने हमेशा अपने प्यार को चूज करो। एमी कहती है कि तुम ये सब बोल कैसे पा रहे हो। अर्नेस्ट कहता है कि मैं तुमसे एक्चुअल में बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इस सब के बाद एमी उनो के पास आके और उनो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये हमें एक अच्छा सा मैसेज देकर जाती है कि हमारे प्यार के सामने हमारे फियर्स कुछ भी नहीं है, हमेशा हमारे दिल में प्यार रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।